इस बीच में वेस्टर्न यूपी क्रेडाई के अध्यक्ष दीपक कपूर जो हमारे साथ कुछ देर पहले जुड़े थे, उनसे जो बात हुई थी, इधर आप सुनिए उनका भी क्या कहना है। देखिए, आज की तारीख में जो हालात है उसमें मैं आपको बेसिक बताना चाहता हूँ कि काफ़ी लेवल तक काफ़ी डेवलपर्स डिलीवरी दे रहे हैं और प्रदर्शन दे रहे हैं, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। जब हम बात करते हैं लार्ज स्केल में कि भी आज की तारीख में बायर्स के मुद्दे काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि उनको कुछ डेवलपर्स से प्रदर्शन नहीं मिल रहा। कई कई साल हो गए पैसे दिए हुए लेकिन कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट नहीं है। इसमें हमने कई बारी समीक्षा की, कई बारी एनालिसिस किया, डिस्कशन किया, तो अल्टीमेटली आया है कि हमारे पास दो विकल्प हैं। या तो डेवलपर के साथ कन्फ्रंटेशन मोड में जाएं और अपने हक मांगे, अपना प्रदर्शन मांगे, जो आज की तारीख में डेवलपर के हाथ में नहीं है। उसके पास फाइनेंशियल स्ट्रेस है, उसके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं और वो बना नहीं सकता और मकान का प्रदर्शन नहीं दे सकता। दूसरा हमारे पास विकल्प है कि कन्फ्रंटेशन को छोड़ के हम कोलैबोरेशन मोड में आ जाएं। कोलैबोरेशन मोड में अगर हम आ जाते हैं तो कोलैबोरेशन मोड में यह है कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जिसमें से मैं कहूँगा कि एक हिस्सा डेवलपर का है, एक हिस्सा कंज्यूमर का है, बायर्स हैं, एक हिस्सा नोएडा अथॉरिटी का है और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और फॉर दैट मैटर एनी डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसकी वजह से लैंड मुहैया की गई है, और एक हिस्सा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है। तो ये अगर चार स्टेक होल्डर एक टेबल पे बैठ के आपस में रिजॉल्व करें कि चारों ने कोलैबोरेटिव मोड पे छोटे छोटे टावर्स या ज्योग्राफिक एरिया या कुछ ब्लॉक्स पकड़ के उसमें बैठ के फाइनेंशियल एनालिसिस करके अगर इसका विकल्प निकाला जाए और एक अलग से एस्क्रो अकाउंट बना के ट्रस्टवर्दी उसमें दो तीन नुमाइंदे एक एक के रिप्रेजेंटेटिव उसके अंदर बिठाए जाएँ और उनको बोला जाए कि भी आप ये अपने अपने टावर इस तरह से सारे पैसे पुल इन करें और अपने अपने टावर को कंप्लीट करें, डेवलपर ये मदद करेगा, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये मदद करेगा, जितने भी बायर्स हैं वो टाइम से उस अकाउंट में पैसे देंगे और नोएडा अथॉरिटी इसको इंश्योर करेगी कि सारे पैसे कंस्ट्रक्शन में लगें या उनकी जो लैंड की बकाया पेमेंट है वहाँ पे जाएं। तो अगर इस तरह से चारों स्टेक होल्डर बैठ के एक कोलैबोरेटिव मोड में एक इसका सोल्यूशन निकालना चाहें तो मुझे लगता है कि ये विकल्प काफ़ी केसेस में ये पॉसिबल है।